लिफ्ट जो होती है चीजों को और करंट को इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो कल हमने ये बात डिस्कस की थी बेटा। देखिए बेटा, कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि इस तरह से कोई भी कंडक्टर होता है, जब उस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और इसको हमने पढ़ा था कि जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ सप्लाई करते हैं, बैटरी को कंडक्टर के साथ कनेक्ट करने का मतलब भी मैंने कल आपको बताया था कि बैटरी को कंडक्टर के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये होता है कि हम बैटरी को पोटेंशियल हम कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। सपोज करें हमने यहाँ पे इस कंडक्टर के साथ इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, इस तरह से बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से सपोज करें कि इसके अंदर कंडक्टर के अंदर पड़े, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, इस तरह से ये स्पेसेस के दरमियान एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं जब इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो उस वक्त की जो वेलोसिटी होती है वो, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मकसद क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मकसद होता है वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन सेम डायरेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो ऑर्डर कल भी हमने किया था कि एक बुक के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है और दूसरे बुक के अंदर मिलीमीटर पर सेकंड है। अब दोनों टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की डेटा बेटा चेंज करना कम से कम मेरे इख्तियारात में नहीं आता कि मैं किसी टेक्स्ट बुक की डेटा को चेंज करूं, ठीक है, ना ही मेरे इतने इख्तियारात हैं, ना ही मेरे ये जो है वो इतनी बड़ी रेंज है कि मैं टेक्स्ट बुक्स को बैठ के यहाँ पे मॉडिफाई करूं। तो जो चीज है मैंने आपको बता दी है कि पीटीबी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एसटीबी के अंदर क्या लिखा हुआ है, या केपी के अंदर हो सकता है कुछ और लिखा हो, तो अब ये मेरी ना ही जिम्मेदारी है ना ही मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज के अंदर आता है कि मैं इनको मॉडिफाई करूं। इसलिए इन चीजों के बारे में मैसेज करना कि नहीं हमें बताएं कि हम क्या करें वो मेरी डोमेन में नहीं आता। एक बार जब मैंने आपको बोल दिया नहीं कर सकता, ना मैं टेक्स्ट बुक के अथॉरिटी हूँ कोई, ना ही कोई गवर्नमेंट में ऑफिशियल हूँ, अब किस बुनियाद पे मैं आपको कहूँ कि ये बुक
इसका आंसर आपने टिक करना है एमसीक्यूज के अंदर या इस बुक का जो है वो फेक है वो लिख कर आता है, तो कौन सी चीज आपने करनी है ये तो प्योरली पीएमसी पे डिपेंड करता है और उन अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये बहुत ही कम होती हो जाती है, इसका रीजन क्या है बेटा? ये देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होती है वो मिलियन मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है, इतनी कम क्यों हो जाती है, इसका रीजन क्या होता है बेटा? ठीक है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है कंडक्टर के अंदर तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रॉप होके सेंटीमीटर या मिलीमीटर तक क्यों आ जाती है? तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ड्रिफ्ट बिकम्स वेरी स्मॉल, ठीक है, ड्यू टू कूलियंस ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो बेटा जो वेलोसिटी ड्रिफ्ट होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फेस रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस को फेस करते हैं, जब ये एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो रेजिस्टेंस इनको आती है। अब अगर इनको एक ही डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस क्यों नहीं आती, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो उनको तो रेजिस्टेंस नहीं आती, उनकी वेलोसिटी मिलियन मीटर पर सेकंड होती है, और ये जब ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी वेलोसिटी जो होती है ये इनकी वेलोसिटी इतनी कम क्यों हो जाती है, इनको रेजिस्टेंस क्यों आती है? देखिए बेटा जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उनको जहां से जगह मिलती है वहां से गुजरते हैं और वो चार्ज्ड पार्टिकल है इसलिए वो कुलियन से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और उनकी कुलियंस जो होती हेड ऑन कुलियंस नहीं होती, इंटरेक्शंस होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स के करीब आते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये होता रहता है, लेकिन उनकी हेड ऑन कुलियंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो ये सीधा जाने की कोशिश करते हैं, नतीजा ये होता है कि इसके रास्ते में जो सामने ये सीधा ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको बैटरी पुश कर रही है, ठीक है बेटा। ये निगेटिव टर्मिनल जो होता है इनको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं बेटा निगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और निगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, इनको पुश कर रहा है। नतीजा क्या निकलता है कि ये सीधा चलने की कोशिश करते हैं और सीधा चलने की वजह से इनकी कुलियंस होती है, और ये जो कुलियंस होती है विथ द मॉलिक्यूल्स, बेटा ये कुलियन किसके साथ होती है, आपस में नहीं होती, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल है और चार्ज्ड पार्टिकल जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ये कोलाइड करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर, और मॉलिक्यूल्स के साथ कुलियन होने की वजह से इनकी स्पीड्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये स्पीड गेन करते हैं कुलियन करते हैं, फिर
फिर उनकी विलोसिटी कम हो जाती है, फिर ये विलोसिटी गेन करते हैं, फिर आगे कुलियन करते हैं, तो इस तरह से ये कोलाइड होते होते चलते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है विलोसिटी गेन करते हैं लूज करते हैं, गेन करते हैं लूज करते हैं, गेन करते हैं लूज करते हैं, और इस तरह से ये इनकी विलोसिटी बढ़ने नहीं पाती। तो आपके ध्यान में होगा कि फिर ड्रिफ्ट विलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन हम इसका एवरेज लेते हैं, ये जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर लेते हैं ये इनका एवरेज लेते हैं, और ये एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट भी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से मूव कर रहा होता है, और जो चीज फोर्स की वजह से मूव करती है उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होती है। तो एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान ये एक्सेलरेट भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो ट्रिम कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अंडर पर्टिकुलर पोटेंशियल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो उस पोटेंशियल के लिए यूनिफॉर्म रहती है। ओवरऑल ऐसा नहीं कि होती हुई है, ओवरऑल पोटेंशियल को चेंज करने से चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी भी कंडक्टर के अंदर अंडर सर्टेन कंडीशंस वो जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कुलियन एक्सीलेट भी करते हैं और उनकी वेलोसिटीज इंक्रीज डिक्रीज भी होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यूनिफॉर्म लेते हैं। और एक कुलियन और दूसरी कुलियन के दरमियान जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। रिलैक्सेशन टाइम का मकसद है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कुलियंस। ये चीजें आपके पास है नहीं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। तो सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इतना कम होने की वजह क्या होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इतने कम होने की वजह होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ बैटरी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कुलियंस होती है। किसके साथ कुलियन होती है? आपस में नहीं होती, इनकी कुलियंस होती है विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर। नतीजा क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कंडक्टर के अंदर करंट को रेजिस्टेंस आती, यही रेजिस्टेंस है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो कुलियंस जो होती है, वो कुलियंस जो होती है ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काज है कुलियंस। जो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के साथ कुलियन ये रीजन है रेजिस्टेंस का। नतीजे में उनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए करंट जब कंडक्टर से गुजरता है वो गर्म होता है। गर्म होने का रीजन ही यही होता है कि जब ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते हैं मॉलिक्यूल के साथ तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, और काइनेटिक एनर्जी एनर्जी के नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये एनर्जी किसमें चली जाती है? ये एनर्जी जाती है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन में, और मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन जब बढ़ती है तो कंडक्टर का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसमें जब आप करंट गुजारोगे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है। इसलिए ज्यादा इंक्रीज होता है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा पोजीशन देगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कम होने का रीजन जो होता है वो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है जो मॉलिक्यूलर कुलियन से आती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कुलियन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में नहीं होती, ये कुलियन मॉलिक्यूल्स की आपस में नहीं होती, ये कुलियन इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। रेजिस्टेंस जो आती है ड्यू टू द कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मॉलिक्यूल्स आती है। ठीक है, इसलिए जो होती है ये कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस आती है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेटा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है कि जो आपने बैटरी अप्लाई की है उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, उस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है।
क्योंकि जितनी बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आपको पता है बैटरी जो होती है कैपेसिटर की तरह होती है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा। जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा बैटरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनाएगी वो बैटरी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनाएगी उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की होती है बेटा, ठीक है। अब एक लाइन लिखी हुई है एसटीबी के अंदर, एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डिसलरेट करते हैं। ये एसटीबी के चैप्टर 13 के सेकंड पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्सीलेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डिसलरेट करते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। तो एसटीबी की एक लाइन है, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि एसटीबी के अंदर एक लाइन है, ठीक है, कि व्हेन बैटरी इज अप्लाइड, या पोटेंशियल डिफरेंस कर, बैटरी एक अच्छा वर्ड इस तो यहां पे सूट नहीं करता, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर देन इनिशियली सम इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलेट एंड सम इलेक्ट्रॉन्स डिसलरेट। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करते और सम इलेक्ट्रॉन डिसलरेट करते, इसका क्या मतलब लाइन का बेटा? ये ऐसे होता है, आप इसको बेटा ध्यान से देखें कि कंडक्टर है बेटा, ठीक है। इसमें अगर सपोज करें रेंडम मोशन में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेंडम मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे जा रहे हैं। आप सपोज करें ये कंडक्टर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहा है, दूसरा किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब आपने अचानक इसके ऊपर बैटरी कनेक्ट कर दी, आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो बैटरी क्या करेगी बेटा? बैटरी इनकी रेंडम मोशन खत्म करेगी, बैटरी रेंडम मोशन खत्म करके सबको एक डायरेक्शन में ले जाएगी। तो क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा इसका नतीजा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो पहले ही पॉजिटिव की तरफ आ रहा था ये क्या करेगा? ये एक्सीलेट करेगा, क्योंकि हमने बैटरी इस तरह से कनेक्ट की है कि इस ये जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पहले ही इस तरफ आ रहा था तो एक्सीलेट हो जाएगा। लेकिन ये पहले किस तरफ जा रहा था? लेफ्ट की तरफ जा रहा था। अब आपने इसको क्या किया? अब आपने इसको जब बैटरी कनेक्ट की तो इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इस इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ जाने से रोका, राइट की तरफ जाने को रोकेगी तो ये इलेक्ट्रॉन पहले डिसलरेट होगा, फिर क्या करेगा? वापस आ जाएगा इस तरफ से। तो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जा रहा था वो क्या करेगा? डिसलरेट होके वापस आएगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था वो क्या हो जाएगा? एक्सीलेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा नेचुरली, और किसी का अगेंस्ट होगा। तो अगेंस्ट जो जा रहे होंगे उनको बैटरी डिसलरेट करवा के वापस लाएगी और अपने डायरेक्शन में ले जाएगी, जो पहले ही उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं वो एक्सीलेट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब कंडक्टर के अंदर शुरू में इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में होते हैं, आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डिसलरेट करते हैं, ठीक है। इस लाइन का मकसद ये है
कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, जब आप बैटरी अप्लाई कर देते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिनका डायरेक्शन उस वक्त बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है वो तो एक्सीलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिनका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा वो डिसेलरेट होंगे, फिर वापस आके एक्सीलेट होंगे। तो ये होता है, इस लाइन का मकसद यही होता है बेटा, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। बेटा थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि थर्मल वेलोसिटी रैंडम वेलोसिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि एक डायरेक्शन में जितने जाते हैं दूसरे में वेलोसिटीज अपोजिट होती है और उनका जो सम होती है जीरो। लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है और सब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम होती है तो नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी बेटा। अब आ जाए कि हम करंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब करंट किसको कहा जाता है। अब हम करते हैं बेटा करंट की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन का मकसद होता है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कि जब किसी भी चीज के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है तो उसको करंट कहा जाता है बेटा, ठीक है। देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा कि कंडक्टर के अंदर करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करती। तो कंडक्टर के अंदर आप क्या कहोगे इन कंडक्टर, कंडक्टर मकसद सॉलिड बेटा, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही होता है वो करंट होता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि जब इलेक्ट्रॉन तो रैंडम वेलोसिटी के अंदर भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर भी मूव करते हैं तो रैंडम वेलोसिटी की वजह से करंट क्यों फ्लो नहीं करता। बेटा रैंडम वेलोसिटी नेट जीरो होती है, उसमें कोई नेट फ्लो नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, जितने एक में जा रहे होते उतने दूसरे में आ रहे होते। नेट वेलोसिटी जीरो होती है और जब नेट वेलोसिटी जीरो होती है ना तो हम कहते हैं उस कंडीशन को कि वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, क्योंकि नेट वेलोसिटी जीरो है उनकी। नेट वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ये करंट जो होता है वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से नहीं बन सकता, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी के अंदर नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। क्योंकि जितने चार्जेस एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उतने ही दूसरे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ये थर्मल वेलोसिटी नेट वेलोसिटी जीरो होती है, देयरफॉर उसकी वजह से करंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखें दूसरी बात होती है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट कैन फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव आइन्स। इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आइन्स होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं बेटा, इन सेमी कंडक्टर्स बेटा ये जो हमारे पास है, ठीक है, इन सेमी कंडक्टर्स करंट
सेमीकंडक्टर्स में बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम हम इसको ज्यादा डिस्कस करते। करंट फ्लोज ड्यू टू निगेटिव चार्ज कैरियर्स, निगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बेटा, चार्ज कैरियर्स होल्स, ठीक है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा। सेमीकंडक्टर यहाँ जो हमारे पास इंटर पढ़ रहे हैं उनका भी पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे होगा कि ये होल्स क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। चैप्टर 16 अभी हमारा रहता है, ठीक है। चैप्टर 16 जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास में तो उसके अंदर आ जाएगा, और एंट्री टेस्ट के अंदर भी जब 16 पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बेटा। तो करंट का मकसद होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, और चार्जेस दो किस्मों की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनका मैंने लिख दिया। अब आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास ये कंडक्टर है। इस तरह से बेटा हमारे पास ये जो होता है इस तरह से कंडक्टर है, अगर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं बेटा, इस तरह से बैटरी के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ही करंट फ्लो करेगा बेटा। करंट हमेशा फ्लो करता है बेटा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। करंट डज नॉट फ्लोस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज बेटा। करंट चार्ज के डिफरेंस की वजह से फ्लो नहीं करता। करंट किस वजह से फ्लो करता है बेटा? करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। जैसे पानी होता है बेटा, एक जगह से पानी दूसरी जगह पे फ्लो करता है कि उनकी ऊपर वाली लेवल जो होती है वो जिसकी कम होगी, कम लेवल की तरफ पानी बड़ी लेवल से, हाई लेवल से कम लेवल की तरफ आएगा। जैसे बेटा डैम के अंदर पानी की हाइट ऊपर होती है और समंदर के अंदर पानी की हाइट नीचे होती है, तो जब हम छोड़ते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। इसी तरह से बेटा जो चार्ज होती है वो हमेशा फ्लो करती है, हमेशा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा दो स्फेयर्स हैं, एक स्फेयर है बेटा इसका रेडियस R1 है और दूसरा स्फेयर है इसका रेडियस R2 है। आप कह लें बेटा R1 1 मीटर है और इसके ऊपर जो हमने चार्ज दी है ये 1 कूलम दी है बेटा, और इसका अगर R2 है बेटा 2 मीटर और इसके ऊपर हमने चार्ज दिए बेटा 2 कूलम दिए। अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे बेटा इनमें नो चार्ज फ्लोस, क्यों नहीं फ्लो करेगी बेटा? इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगी, क्यों नहीं फ्लो करेगी बेटा? इसके पास तो 2 कूलम है, इसके पास 1 कूलम है, चार्ज को तो फ्लो करना बेटा। चार्ज डिफरेंस ऑफ चार्ज की वजह से फ्लो नहीं करती, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से फ्लो करती है। V1 है बेटा KQ1/R 9 × 10⁻¹⁹ होगा। V2 हो जाएगा बेटा KQ/R2 = हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, ये भी 9 × 10⁻¹⁹ होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगी। चार्ज किस वजह से फ्लो करती है? चार्ज फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इसलिए होता यह है कि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो एक साइड आ जाती है पॉजिटिव, मींस हाई पोटेंशियल पे। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कहते हैं और ये होता है लो पोटेंशियल बेटा, ठीक है। नतीजा क्या निकलता है बेटा? नतीजा ये निकलता है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेटा,
इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. हमेशा हम बनाते हैं कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, मैं समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करेगा. फ्री जब आप छोड़ोगे तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि अगर ये हमारे पास प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बेटा. और अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बेटा, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. जब किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री छोड़ते हो तो वो हमेशा मूव करती है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. निगेटिव चार्ज के सूरत में लो ये होगा, हाई इसकी तरफ होगा, और पॉजिटिव की सूरत में हाई ये होगा, लो इस तरफ होगा. तो जब चार्ज फ्री छोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करती है. तो जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये जो फ्री चार्जेस होंगी ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी. ठीक है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाएंगी बेटा तो इस कंडक्टर के किसी एक सेक्शन से, सपोज करें ये कंडक्टर के अंदर हमने लाइन बनाई है, इस लाइन से कितनी चार्जेस एक सेकंड के अंदर इस तरफ गुजरती है वो करंट बनता है. कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर टोटल जो चार्जेस फ्लो कर रही है, टोटल चार्जेस वन टाइम नहीं होता. कंडक्टर के किसी भी सेक्शन के ऊपर, कंडक्टर के किसी एक सेक्शन को हम लेंगे वहां से देखेंगे. फॉर एग्जांपल आप कराची, हैदराबाद से कराची जाते हो. अब अगर आप सपोज करें कि हैदराबाद से कराची हाईवे कंडक्टर है, इसके अंदर मूव करती हुई गाड़ियां इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब आप करंट कैलकुलेट करोगे तो आपको फार्मूला पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो आप ये नहीं करोगे कि कराची से लेकर हैदराबाद तक टोटल जो गाड़ियां उनका सम करके डिवाइडेड, नहीं. आप टॉल प्लाजा होता है बेटा जहां पे टैक्स लेते हैं, तो जो यहाँ पे होता है आप देखोगे कि उससे कितनी गाड़ियां गुजर रही है. उससे जितनी गाड़ियां किसी एक सेक्शन को आप सिलेक्ट करोगे रोड के, उससे कितनी गाड़ियां गुजर रही है. अगर उस सिलेक्टेड सेक्शन से गाड़ियां ज्यादा गुजर रही है पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो ज्यादा करंट होगा, और उस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर कम. ऐसा नहीं होता कि कंडक्टर के अंदर आप टोटल चार्जेस को, जितनी भी चार्जेस हैं उनको डिवाइड नहीं करते. आप कंडक्टर के अंदर जब करंट देखते हो तो उस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर सेक्शन आप चूज करते हो. उस पर्टिकुलर सेक्शन से पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी चार्जेस गुजरती है उनको कहा जाता है कि ये जो होता है ये करंट होता है बेटा. ठीक है, तो बात क्या बनी बेटा यहाँ पे कि करंट फ्लोज, करंट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. करंट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से फ्लो करता है. ठीक है, करंट डज नॉट, करंट डज नॉट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज. बेटा चार्ज के डिफरेंस की वजह से नहीं होता, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है. अब अगर इसका फार्मूला हम करें बेटा तो करंट का फार्मूला हो जाएगा बेटा क्यू अपॉन टी. बेटा तो चार्ज जो होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम जो होती है, और आपको पता है कि चार्ज होती है एन ई के बराबर, तो एन ई अपॉन
भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा करंट का फार्मूला। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। अब हमारे पास बेटा ये होता है कि इसका यूनिट क्या होता है बेटा। इसका यूनिट जो होता है बेटा ये होता है कूलम्ब पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं बेटा एम्पेयर। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए सिमोल लिखोगे। और इसकी सिंबल जो होती है वो होती है, जो है वो आप कह सकते हैं कि ई इसकी सिंबल होती है। और 1 एम्पियर जो होता है इजिकल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड, या 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू 0.1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर बेटा, 1 सेकंड के अंदर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स गुजरे। अगर इस लाइन से 1 सेकंड में इस तरफ, ठीक है, अगर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर किसी लाइन से गुजरे, हम कहेंगे कि उस कंडक्टर के अंदर करंट 1 एम्पियर है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट का मकसद है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड के अंदर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पास करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। करंट कैरिंग कंडक्टर का न्यूट्रल इसलिए होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं उसके अंदर। कोई चीज चार्ज होती है नहीं होती, दैट डिपेंड्स कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है या नहीं है। तो बेटा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल होता है। सिर्फ उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। करंट के फ्लो करने का मकसद नहीं होता कि वो चीज चार्ज है। उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके एंड्स पे बैटरी कनेक्ट है, वो चार्ज है। कंडक्टर चार्ज नहीं, कंडक्टर एक पाथ है जिससे चार्जेस फ्लो कर रही है। चार्ज बैटरी या वो चीज होती है जो करंट को फ्लो करवा रही होती है, जो एंड्स पे होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहां पे बेटा मैं किसी जगह पे लिख देता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर इज कंसीडर्ड न्यूट्रल एंड हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब कल डिस्कस करेंगे बेटा, टाइम हो गया। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या ताल्लुक है ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और कल डायरेक्शन और ओम्स लॉ भी करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी जीटी होगी बेटा, उसके अंदर चैप्टर 13 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी।